सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं हाल ही में चाइना में लॉन्च हुए Realme Q2 5G स्मार्टफोन की, जो कि गाइस एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। और एक एक ऐसी लीक निकल कर आ रही है कि ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में जो है Realme 8 बनकर आने वाला है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये स्मार्टफोन जो है Realme 8 बनकर इंडिया में आएगा या नहीं, और अगर आएगा तो कब तक जो है हमारे इंडिया में Realme की 8 सीरीज देखने को मिल सकती है। सो इस वीडियो में आगे बन रहे हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ज्यादा बोर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज के इस वीडियो का लाइक एंड रखते हैं हम 10 लाइक्स का, और आई होप आप पूरा करवा दोगे। सो गाइस, अगर हम बात करें Realme Q2 5G स्मार्टफोन के बॉक्स की, तो यहाँ पर आपको जो है टिपिकल येलो कलर का बॉक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है Realme Q2, नीचे Realme की ब्रांडिंग, साइड में आपको जो है चाइनीज में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है Realme Q2 5G स्मार्टफोन। पीछे की तरफ आपको जो है गाइस और कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे जो कि फोन में, जैसे कि MediaTek का उसमें प्रोसेसर यूज किया गया है। अगर हम बॉक्स को देखा जाए तो गाइस ओवरऑल जो बॉक्स आपको टिपिकल येलो कलर का देखने को मिलता है, जैसे कि आपको सभी Realme के फोन्स का देखने को मिल जाता है। बॉक्स को अनबॉक्स करने की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो है टिपिकल जो है आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, जहां पर अगर हम बॉक्स के अंदर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है गाइस एक TPU केस, साथ में गाइस आपको जो है एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपको हर स्मार्टफोन बॉक्स में आजकल प्रोवाइड की जा रही है। अगर TPU केस की बात करें तो गाइस क्वालिटी जो है बहुत ही मतलब ठीक ठीक आपको देखने को मिलती है, ना ज्यादा आपको बुरी देखने को मिलती है ना ही बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, मतलब TPU केस जो है वो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। अब बात करें फोन की, तो सबसे ऊपर आपको फोन देखने को मिलता है। फोन को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं पीछे की तरफ आपको ग्रे कलर का फोन देखने को मिलता है, जिसको हम रखते हैं साइड में। नीचे की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको जो है एक टाइप सी केबल देखने को मिलती है, तो यस गाइस इसमें आपको जो है USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, और टाइप सी केबल होने की वजह से इसमें जो है आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है। और ये जो फोन है आपका बहुत अच्छे से फुली चार्ज होने वाला है गाइस। 65 वॉट जो चार्जिंग आती है वो आपको Q2 प्रो में देखने को मिलती है। ये हमारा Q2 वेरिएंट है, तो इसमें जो है आपको 30 वॉट की चार्जिंग ब्रिक इन द बॉक्स प्रोवाइड की जाती है आपके फोन को फास्ट चार्ज करने के लिए। अगर हम बात करें फोन के ओवरव्यू की, तो फोन गाइस आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, और अनबॉक्स गाइस मैं इस फोन को पहले ही कर चुका था। तो अगर हम बात करें फोन के, अगर ये कवर उतारे तो इन हैंड फील जो फोन की है वो आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। फोन जो है गाइस आपको थोड़ा सा लंबा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.45 इंच की एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आती है 120 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। साथ में ये जो डिस्प्ले है इसमें आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है 90.7% का। साथ में ये जो फोन है इसमें आपको जो एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है फोन का, वो आपको देखने को मिलता है 20:9 का, क्योंकि ये जो फोन है गाइस आपको थोड़ा लंबा देखने को मिलता है। साथ में IPS डिस्प्ले होने की वजह से इसमें आपको जो है गाइस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल जो डिस्प्ले है गाइस, डिस्प्ले क्वालिटी जो है मुझे बहुत ही पसंद आई। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बैटरी की बात करें, तो इस फोन में आपको जो है 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन बॉक्स जो आपको 30 वॉट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके फोन को अबाउट 1.5 घंटे में जो है फुल चार्ज कर देने वाला है। साथ में अगर हम बात करें इस फोन के CPU की, मतलब कि इस फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन में यूज किया गया है MediaTek Dimensity 800U वाला प्रोसेसर, जो कि गाइस एक बहुत ही बजट सेगमेंट वाला प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर में जो है आपको 5G देखने को मिलता है, और ऐसी एक लीक निकल कर आ रही है कि ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में Realme 8 बनकर आने वाला है, मतलब कि Realme 8 सीरीज में इस बार आपको जो है ऐसा बताया जा रहा है कि 5G देखने को मिलेगा, जो कि गाइस दिसंबर एंड के बाद जो है जनवरी या फरवरी से पहले पहले जो है लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। तो गाइस लॉन्च डेट जाने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके बाद अगर हम बात करें इस फोन के वेट की, तो यहाँ पर आपको जो है फोन थोड़ा बल्कि देखने को मिलता है, मतलब कि ये फोन जो है आपको थोड़ा हैवी देखने को मिलता है, जहां पर इसका वेट जो है वो आपको देखने को मिलता है 194 ग्राम्स का। साथ में जो थिकनेस है फोन की वो भी आपको जो है 9.1 mm की देखने को मिलती है, मतलब कि फोन जो है वो आपको मोटा सा थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। साथ में अब अगर हम रियर कैमरास पे आ जाएं, तो यहाँ पर आपको गाइस 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा
कैमरा देखने को मिलता है Q2 में। जहां पर अगर हम प्राइमरी सेंसर की बात करें तो वो है सोनी का IMX586 वाला सेंसर, 48 मेगापिक्सल वाला, जहां पर आपको एफ अपर्चर 1.8 का ये सेंसर देखने को मिलता है। फिर आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिलता है एफ अपर्चर 2.3 के साथ, जो कि आप जिससे कि आप अपनी अल्ट्रावाइड फोटोज ले सकते हैं। साथ में आपको एक देखने को मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी, जहां पर आपको जो है उसका अपर्चर देखने को मिलता है एफ अपर्चर 2.4 का। साथ में अगर हम सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहां पर आपको जो सेल्फी कैमरा है वो आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का, जिसका जो आपको अपर्चर देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है एफ अपर्चर 2.1 का। साथ में अगर हम बात करें फोन के बैक साइड की तो यहां पर आपको पीछे की तरफ बड़ी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी रियलमी की, जो कि आजकल कॉमन हो गई है चाइना में। किसी भी स्मार्टफोन जो रियलमी लॉन्च कर रहा है वहां पर कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में छाप ही दे रहा है। फिर जैसे कि आप रियलमी X7 की बात करेंगे तो वहां पर आपको डेयर टू लीव देखने को मिल जाता है। तो ऐसे ही कुछ फोन का आपको जो है ओवरव्यू देखने को मिलता है। और यहां पर जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है वो आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पर जो पंच होल है वो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ बात करें अगर कैमरा लेआउट की तो यहां पर आपको रेक्टेंगुलर शेप जो है कैमरा लेआउट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर आपको देखने को मिलता है वन प्लस नॉट की बात करें या फिर और कुछ जैसे रियलमी X7 स्मार्टफोन की बात कर लें। तो यहां पर सिर्फ इतना फर्क है कि यहां पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलते हैं। Q2 प्रो में जो है आपको गाइस क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलते हैं, ये कुछ फर्क है। और Q2 आई भी एक स्मार्टफोन है जो कि इसका एक लोअर वेरियंट है। अगर हम गाइस बात करें इसकी इंडियन लॉन्च की तो ये गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी के महीने में इंडिया में लॉन्च होगा, जहां पर इसका बेस वेरियंट जो है 464 बनकर आ सकता है रियलमी 8 के साथ, जहां पर जो प्राइस होने वाली है स्मार्टफोन की वो आपको 12,500 से लेकर जो है 14,500 के बीच देखने को मिल सकती है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब